कराहल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते पोस्टमार्टम करवाने परिजन और पुलिस को करना पड़ा घंटों इंतजार। कराहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां कभी मरीजों को सही इलाज नहीं मिलता तो कभी रेफर के एम्बुलेंस और इन सब अनियमितताओं के बाद डॉक्टरों की मनमर्जी के चलते किस दुर्घटना में मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम तब करने में परिजनों को घंटों इंतजार करवाया जाता है। यही नहीं, साथ आए पुलिस को भी ये लोग इंतजार करवाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ जब आगरा निवासी मां सिंह भलाला की सुबह के समय खेत पर करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि बरगवा थाने की पुलिस सुबह 11 बजे बॉडी का पीएम करवाने कराहल पीएम हाउस पर आए, मगर डॉक्टरों और अस्पताल बीएमओ की मनमानी के चलते दोपहर 2 बजे तक पीएम हाउस पर कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचा। जब इस मामले की खबर मीडिया को लगी तो बीएमओ ने आनन फानन में बरगवा के डॉक्टर को बुलवाकर पीएम करवाने की बात कही। तब कही बहुत देर बाद पीएम हो सका, मगर अस्पताल प्रबंधन के इस रवैये से परिजनों में बहुत आक्रोश था। वह करावल बीएमओ की शिकायत कलेक्टर से करने की बात कह रहे थे। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम शंकर भिलाला, मैं चितारा से सरपंच हूँ, वो मेरे साले साहब है। हम पीएम हाउस में कम से कम 2 घंटे से बैठे हैं, अभी तक तो डॉक्टर साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ऑफिस में जाते हैं जो मना करते हैं हमको कि हम नहीं करेंगे। बीएमओ सर को फोन लगा रहे, उनका बंद जा रहा, बंद कर लिया। तो हम कहाँ कहाँ पे जाए सर, क्या क्या हो गया था, कैसे मौत हो गई है? वो किसान है साहब, तो धान पे पानी वानी चला रहे थे, उनको कोई करंट लगने से कोई तार टूट गया। तो यहाँ पे आपका पीएम नहीं कराया जा रहा है? नहीं किया गया, डॉक्टर साफ मना कर रहे हैं। डॉक्टर साफ मना कर रहे हैं क्या? आपके साथ पुलिस भी आई हुई है? वो पुलिस भी आप आई है, पुलिस खड़ी है साहब, पुलिस भी बहुत हमारी मदद कर रही है, उनकी भी नहीं सुन रहे। अच्छा, पीएम करने तैयार नहीं है? पीएम करने के लिए तैयार नहीं। डेड बॉडी रखी है अपनी प्राइवेट गाड़ी में रखी है, सुनने वाला नहीं। अच्छा, क्या शोपर की तो नहीं कह रहे आपसे, शोपर चले जाओ? शोपर की कह रहे हैं साहब, पर हम इतनी दूर व्यवस्था लेके गरीब आदमी कैसे क्या पहुँचे? शोपर जाना है तो फिर यहाँ क्यों बना है पीएम हाउस? यहाँ क्यों बना सर, ये तो हम कह रहे हैं, हमको पुलिस ने कराल ले चलो भेज दिया, हम कराल आ गए। अब कराल वाले शिवपुर भेज रहे हैं, अब शिवपुर वाले हमको कहीं और भेजेंगे तो हम डेड बॉडी लेके कहाँ घूमते फिरेंगे? जब व्यवस्था सरकार ने दी तो यहाँ करो, डॉक्टर अच्छा रखा जाए यहाँ पे, समय पे होना चाहिए व्यवस्था सब चीज, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं सर। अच्छा, यानी और ये पीएम रिपोर्ट भी हमको देने के लिए 2-2 महीना घुमाएंगे। अच्छा, उसमें भी लापरवाही करते हैं, हमारा बंदे का हुआ था ऐसा, उसको भी नहीं देते, ये लोग बैठते नहीं यहाँ पे। तो क्या माने कि ऐसे ही चलता रहेगा गरीबों के साथ? गरीबों के साथ तो वही चल रहा है, रोज की कहीं ना कहीं घटना हो रही, चलता रहता है ये तो सब। गरीबों को कोई मायना नहीं ना जिंदगी की, उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तो सिर्फ खिलवाड़ कर रहे गरीबों के साथ में। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुखवीर सिंह भिलाला बोल रहा हूँ, और ये हमारे गरीब लोगों को यहाँ पीएम होना जरूरी है, और ये पीएम नहीं करते हैं, 2-2, 3-3 घंटा बैठा रखते हैं गरीब लोगों को, तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं तो कोई दिन हम इन पे आंदोलन करेंगे, धरना पे बैठ जाएंगे, ऐसे नाटक करेंगे डॉक्टर को। इनकी लापरवाही लगातार देखी जाती है, इनकी लापरवाही की से तो ये होता नहीं, तो 2-3 घंटा ये हो गया तो सुबह ही पोस्टमार्टम तो होना था इनको, काम करेंगे। तो ये लापरवाहों को हटाता क्यों नहीं है शासन? ये लापरवाह है, इनकी शिकायतें आती हैं बराबर, ये शासन का कारण से नहीं हटा रही, शासन में कुछ न कुछ गड़बड़ है, जब ही तो नहीं हटा रहे, नहीं तो हटा देते ऐसे आदमी को, तो हटाना चाहिए नहीं ऐसे आदमी। गरीब लोगों की सुनते नहीं, गरीब लोगों को सुनते ही नहीं, अगर अच्छा आदमी होता, अच्छा आदमी होता तो वही जाता वो। गवर्नमेंट ही कहती है कि पीएम कराओ, किसी भी ऐसी घटना से मौत होती है जिससे मुआवजा मिल सके उसके परिवार को, ये तो रोड़ा डालना है उस चीज में। हाँ, तो वो तो बोलते ही है, सरकार तो कह रही थी कि मतलब ये ऐसा जो गरीब लोगों को कुछ घटना हो जाती है और जो हो जाता तो पीएम करना जरूरी है, और पीएम करने से शासन के पैसा भी मिलता है, और ये तो डॉक्टरों की लापरवाही जी है या बीएमओ की लापरवाही जी है, तो हटने चाहिए ऐसे, ये हटना चाहिए। हम मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुंवर सिंह भिलाला बोल रहा हूँ, और मेरा खास काका के लड़का है ये, तो फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है रहे। तो अभी मेरे को घर से पता लगा जैसे मैं भके आया अस्पताल पे। तो क्या आप कलेक्टर से इनकी शिकायत करेंगे? करेंगे, अगर ज्यादा वो करेंगे तो।